हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं एचपी टीजीटी एग्जाम के लिए, वेदर इट इज ऑफ मेडिकल स्ट्रीम और नॉन मेडिकल, तो यू आर एट द राइट प्लेस। वेलकम टू द चैनल। आई एम विशाली, आई एम केमिस्ट्री एजुकेटर एट बंसल एकेडमी। आई हैव डन मास्टर्स इन केमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, and I have also qualified CSIR NET with All India Rank 30 and GATE Chemical Sciences. Apart from this, I have a rich experience in teaching students from the different states across India. So, आपको organic chemistry की tension लेने की बिल्कुल भी need नहीं है। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कि organic chemistry paper में कैसे attempt होगी। हम बहुत अच्छे से हर एक चीज डिस्कस करने वाले हैं। जान लेते हैं ऑर्गेनिक के सिलेबस के बारे में। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वेदर एचपी टीजीटी या फिर किसी और स्टेट का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो जिसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट ही नहीं हो सकती, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जाम कंप्लीट ही नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमारे पास सिलेबस में है जीओसी, दैट इज जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आप वेरियस अटैकिंग रिएजेंट्स के बारे में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, बॉन्ड क्लीवेज के बारे में पढ़ोगे, अलग अलग इफेक्ट्स के बारे में पढ़ोगे, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन एटसेट्रा। देन यू विल स्टडी अबाउट द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, फ्री रेडिकल, कार्बोक्टैन, कार्बेनायन, कार्बीन, नाइट्रीन, ये सारी चीजें। देन यू विल स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड सो ऑन। जब केमिकल रिएक्शंस को पढ़ लिया, देन उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ोगे, लाइक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आगे न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक में SN1, SN2, एलिमिनेशन में E1, E2, इस टाइप की। देन यू आर हैविंग हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स में आप पढ़ने वाले हो कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में, लाइक अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। एंड देन यू विल स्टडी अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिसिटी टॉपिक पढ़ेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देन उनके रिएक्शंस के बारे में। इसके बाद हमारे पास है वेरियस टॉपिक्स लाइक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन्स, जिसमें हम हैलोकेन्स एंड हैलोरिन स्टडी करेंगे। देन वी आर हैविंग एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, जो आते हैं कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन में। देन वी आर हैविंग कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, फॉर एग्जाम्पल अमाइंस के बारे में पढ़ना है, डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में पढ़ना है, साइनाइड्स के बारे में पढ़ना है, आइसोसाइनाइड्स के बारे में पढ़ना है एंड सो ऑन। ये सारे बेसिक चैप्टर करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी हैं, लाइक बायोमोलिक्यूल्स इज देयर, जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, इस टाइप के टॉपिक्स पढ़ने हैं। देन वी आर हैविंग पॉलीमर्स, अलग अलग टाइप के पॉलीमर्स, उनके मोनोमर्स, उनके यूजेस, ये सारी चीजें पढ़नी है। ये जो सारे टॉपिक्स मैंने बोले, दे आर ऑफ +1 +2 लेवल, ये सारे ही +1 +2 लेवल के हैं। बट देयर आर सम टॉपिक्स जो आपको ग्रेजुएशन लेवल के भी पढ़ने हैं। इन सारे टॉपिक्स में +1 +2 के साथ आपको ग्रेजुएशन लेवल का लिटिल बिट टच देना पड़ेगा, पर कुछ टॉपिक्स हैं जो कम्प्लीटली ग्रेजुएशन लेवल के हैं। उनमें से फर्स्ट आता है स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम क्या करना है, ये हमें +1 +2 में तो ना बहुत कम सी आती है। स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटेल्ड में हम ग्रेजुएशन में ही पढ़ते हैं, तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। एंड आफ्टर स्टडिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री वी हैव टू डू रिएक्शन मैकेनिज्म अगेन, रिएक्शन मैकेनिज्म को दोबारा ग्रेजुएशन लेवल पे जाके पढ़ना है, देन जाके हमारा जीओसी वाला पोर्शन कम्प्लीट होगा रिएक्शन मैकेनिज्म वाला। देन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये भी आप +1 +2 में नहीं पढ़ते, कम्प्लीटली आपको ग्रेजुएशन लेवल का ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देन देयर इज वन मोर टॉपिक, फैट्स, ऑयल्स एंड डिटर्जेंट, ये सारे कंपाउंड्स है जो आपको +1 +2 में भी आते हैं, बीएससी में भी आते हैं, ये आपको अप टू बीएससी लेवल, दैट इज ग्रेजुएशन लेवल तक के पढ़ने पड़ेंगे। सो बस इतना ही है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ज्वाइन कर लीजिए बंसल अकेडमी, सो दैट आपका सिलेबस बहुत ईजिली, बहुत अच्छे वे से कवर हो जाए। थैंक यू।